हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं केसरिया में, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। और आज हम चल रहे हैं केसरिया बौद्ध स्तूप को देखने। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि केसरिया बौद्ध स्तूप एक खुदाई के दौरान निकला हुआ बौद्ध स्तूप है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो आप देख सकें इजीली। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और आप ये जो मेला देख रहे हैं, ये मेला यहीं पे बगल में केदारनाथ जो धाम है उनके पास मुझे लगते हैं, बट अभी लॉकडाउन के कारण ये सारा बंद पड़ा हुआ है। और यहीं ये केदारनाथ भोले बाबा का जो मूर्ति है, जो लिंग है, वो भी खुदाई के दौरान ही निकला हुआ है। ये भी बहुत ही पुराना है और इसका रास्ता यहाँ से जाता है। वैसे तो अभी लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है, पर हम चल के थोड़ा सा एक लुक देखते हैं कि कैसा है, क्या है। पेड़ के नीचे में बुद्ध भगवान का टूटा हुआ मूर्ति रखा हुआ है। और यहाँ से थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, उधर में ही है, नहीं दिख रहा होगा तो कितना दूर हो जाएगा। तो जैसा कि आप अब देख सकते हैं, हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और अब जस्ट अब हम पहुँचने ही वाले हैं, तो पास से चल के देखते हैं और कैसा है। तो हम अब इसके अंदर आ चुके हैं, कर लिया है और यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड, लिफ्ट। और घूम के आने के बाद हम और जहाँ जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे ही बात करेंगे, जानने की कोशिश हम करेंगे। और आज बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है और इसी के बीच में मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि ऐसे आने वाले और भी अमेजिंग वीडियो आप देख सकें। इतने सारे खंड आप देख रहे हैं, इस सभी में मूर्तियाँ थी। यहाँ पे एक मंदिर भी है और वो बरगद का पेड़। खुदाई से पहले ये ऐसा ही हुआ करता था, ऊंचा एक टीला टाइप का, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ जो भी कुछ ऊंचा हल्का होता है उस पर कोई ना कोई देवी का स्थापना करके और लोग उसे मंदिर मान लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी उसको मंदिर ही मान लिया गया था, बट 1998 के बाद में जब इसे खुदाई हुआ तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर बौद्ध स्तूप है। और अभी तक ये पूरा खुदाई नहीं हो पाया है, इसको अब हम एक सिस्टम का अपने इशू बता सकते हैं, सिस्टम का गलती बता सकते हैं कि अभी तक इसे डेवलप नहीं किया जा सका है। तो इस ये वाला पार्ट अभी बिल्कुल भी खुदाई नहीं हुआ इधर में सही से, तो इसीलिए ये जंगल की तरह दिख रहा है। और इस पर एक तरफ से रास्ते भी पाए गए हैं ऊपर तक जाने के लिए, बट अभी ये ऊपर तक जाने के लिए अलाउड नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी हो सकता है कि बहुत जगह पर बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ हों और हमारा पैर उस बुद्ध भगवान की मूर्ति पे चला जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पैर रखने से वो टूट जाए, कुछ बर्बाद हो जाए, तो वो रिपेयर करना इजी नहीं है। चलिए, वहाँ पे एक अंकल दिख रहे हैं तो हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि वो कैसे क्या जानते इसके बारे में, यहाँ के लोकल ही हैं वो। तो ये देखते हैं।
अप्रूपी है, कोई जानता नहीं कब तैयार हुआ था, कब बना था, कैसे बना था। बहुत लोग कह रहे हैं राजा बेन के टाइम में बना हुआ था। हाँ तब कितना पॉप पुश हो गया, ठीक है। और कुछ लोगों का मानना ये भी कि इसके अंदर खजाना गड़ा हुआ है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, इसीलिए तो पुलिस के बाहर है। अच्छा चलिए थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना अंकल का मानना है कि यहाँ पे पुलिस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर में खजाना है, बट ऐसा मैं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों पुलिस इसलिए भी हो सकती है कि लोग हमेशा ऊपर चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, जो लोग ये नहीं जानते हैं कि इसमें भगवान जी के मूर्ति दबे हुए हैं और इसे चढ़ने से वो टूट भी सकता है, तो इसलिए भी लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये भी हो सकता है पुलिस इसीलिए खड़ी हो, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए थे उनसे पूछने पर उन्होंने मुझे ये दिया है लिखा हुआ, मैं इसको आपको इसका फ़ोटो खींच करके डाल दूँगा, आप भी पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने क्या बताया। चलिए थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ। और देखिए यहाँ पे एक भाई है जो कि चना यहाँ पे बेचते हैं, और इनसे हम कुछ पूछेंगे। यहाँ पे आप हमेशा रहते हैं? हाँ हमेशा रहते हैं। और कितने कितने लोग महीने में आते रहते हैं यहाँ पे? महीना में बहुत आदमी आता है। कहाँ कहाँ से आते हैं? ऑल हर जगह का आदमी आता है। और आपका बिकता है सही से? कितनी बिकता है अभी लॉकडाउन में? अभी कहाँ अभी बिक्री हो रहा है, लॉकडाउन में नहीं बिक रहा है। हाँ लॉकडाउन में बिक रही है, इसका आगे सेल ठीक था, विदेशी भी आता था और आदमी आता था। अभी विदेशी आ रहे हैं? नहीं आ रहा है लॉकडाउन में, विदेशी नहीं आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं सबसे बोलूँगा कि जब भी आए तो एक बार इनका सेवा जरूर लें। और थैंक यू बने रहने के लिए यहाँ तक, और प्लीज़ अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ इजली मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।